हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो इलाहाबाद का असिस्टेंट लोगो पायलट का जो पेपर हुआ था 2007 में, परीक्षा हुई थी 9 तारीख 12वें महीने में 2007 में, 9/12/2007 को। तो आइए हम असिस्टेंट लोगो पायलट के इसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं। और इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसकी प्रत्याशा सर्वाधिक है ना। ये जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें हमें देख के बताना है कि इनमें प्रत्याशा जो है सबसे ज़्यादा किसकी अधिक है। ऑप्शन ए है हमारा रबड़, बी है एल्युमिनियम, सी है हमारा स्टील। तो आइए सबसे पहले जानते हैं प्रत्यास्था के बारे में। प्रत्यास्था क्या है? पदार्थों के उस गुण को कहते हैं जिसके कारण उस पर यदि बाह्य बल लगाया जाता है तो उसमें विकृति आ जाती है, परंतु जैसे ही बल हटा लेते हैं तो वह पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। इसी को प्रत्यास्था का गुण कहते हैं। परंतु जब एक सीमा से अधिक किसी पदार्थ पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसमें एक मूल विकृति उत्पन्न हो जाती है ना, एक विकृति उत्पन्न हो जाती है जो वापस से पदार्थ अपनी मूल अवस्था में नहीं आ पाता है। और इसी स्थायी विकृति को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता की सीमा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टील। और ये नियम कौन सा था? यंग के हुक का नियम जो है वो भी प्रत्यास्थता से ही संबंधित है। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या है, वह क्या कार्य करता है? तो हमारा ए ऑप्शन है यांत्रिक को विद्युत में चेंज कर देता है, ऑप्शन बी है विद्युत को यांत्रिक में, या फिर दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, विद्युत को यांत्रिक में, यानी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है विद्युत मोटर। आइए हमारा तीसरा क्वेश्चन है संवेग का विमीय सूत्र क्या है। तो जो हमारे इसके ऑप्शन है वो है, पहला हमारा ए ऑप्शन क्या है MLT-2, ऑप्शन बी है हमारा MLT-1, ऑप्शन सी है वो है MLT। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा MLT-1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन परमाणु पर आवेश कौन सा होता है ना, ऋण आवेश होता है या धन आवेश होता है या उदासीन होता है? तो जो इलेक्ट्रॉन पर होता है हमारा वो ऋण आवेश होता है, और प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। तो जो क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन परमाणु पर आवेश होता है, इसका आंसर क्या होगा? ऋण आवेश, ऑप्शन नंबर ए ऋण आयन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुओं की रोम जैसी संरचना को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है हमारा एट्रिक्स, बी है सिलेंडरी, सी है हमारा फ्लैजिला। तो जो इसका सही आंसर है वो दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी फ्लैजिला, यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक से क्या करते हैं? ऑप्शन ए है हमारा मिश्रण से पदार्थ को अलग करने तथा उनका विश्लेषण करना, ऑप्शन बी है रंगीन पदार्थों की पहचान करना, ऑप्शन सी है हमारा पदार्थों की संरचना का निर्धारण करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मिश्रण से पदार्थों को अलग करने तथा उनका विश्लेषण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित है? ऑप्शन ए है हमारा टाइफाइड, बी है हमारा हेपेटाइटिस, सी है हैजा। तो दोस्तों जो विषाणु से होने वाली बीमारी है वो कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं एक बार। जो रेबीज हुई, चेचक हुई, एड्स, हेपेटाइटिस या खसरा, पोलियो, ये सब बीमारी किससे होती है? विषाणुओं से। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी हेपेटाइटिस, यही विषाणु जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आलू किस कुल का है ना। सबसे पहले बात करते हैं आलू है क्या। आलू क्या है? आलू दोस्तों है तना। और जो आलू होता है दोस्तों ये जमीन के नीचे उगता है। और आलू किस कुल का है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सोलेनेसी, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है वो कौन सा है? ऑप्शन ए है हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल, बी है नाइट्रिक अम्ल, सी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो इसका दोस्तों सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रहों की गति के नियम जो है वो किसने प्रतिपादित किए हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कोपरनिकस, बी है गैलीलियो, सी है केपलर। ये केपलर जो है यही इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आइए बात करते हैं ये जो ग्रहों की गति के नियम दिए थे वो क्या थे। तो जो केपलर है उसने ग्रहों की गति के तीन नियम दिए थे। जो पहला था वो क्या था, जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करते हैं, ये केपलर का पहला नियम था। केपलर का दूसरा नियम क्या था दोस्तों, कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर इस तरह परिक्रमा करता है कि जो ग्रह होते हैं और जो सूर्य से मिलाने वाली रेखा होती है वो समय के समान अंतरालों में समान क्षेत्रफलों में हट जाती है ना। ये केपलर का द्वितीय नियम था। और केपलर का तृतीय नियम क्या था, सूर्य से जो ग्रह की औसत दूरी का घन है वो समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी आर की क्यूब समानुपाती किसके होती है, टी स्क्वायर के। तो जो ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए थे, इसका सही आंसर है दोस्तों केपलर ने, ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्द निवारण दवाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए एंटीवीनस, ऑप्शन नंबर बी एनाल्जेसिक, या ऑप्शन नंबर सी एंटीसेप्टिक। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी एनाल्जेसिक, दर्द निवारण दवाएं होती हैं एनाल्जेसिक, ऑप्शन नंबर बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो स्थायी चुंबक के लिए सर्वाधिक उपयुक्त धातु कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा तांबा, बी है इस्पात और सी है लोहा।
तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी इस्पात। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द्रव का अणुभार बढ़ाने से उसकी क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन हमारा यह है, ऑप्शन नंबर ए कोई प्रभाव नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बढ़ेगी, या ऑप्शन नंबर सी घटेगी। तो इसका सही आंसर है बी, बढ़ेगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए पैलिनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है एंथोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी कैनोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या है? एंथोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर बी, यही इसका सही आंसर है। दोस्तों जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, इसके ऑप्शन पढ़ता हूँ, इसीलिए पढ़ता हूँ ताकि आप जो है तब तक इसका आंसर खुद से टिक कर सकें। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो श्वेत यानी सफ़ेद प्रकाश में देखने पर साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उसका क्या कारण है, यही बताना है हमें। ऑप्शन नंबर ए प्रकीर्णन के कारण, या ऑप्शन नंबर बी विवर्तन के, या ऑप्शन नंबर सी व्यतिकरण के। तो इसका दोस्तों सही आंसर है व्यतिकरण। तो व्यतिकरण के कारण ही साबुन के बुलबुले में रंग दिखाई पड़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है, कार्बन माइक्रोफोन एक प्रवृत्ति है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर है प्रेरकत्व, बी है प्रतिरोध युक्ति है, या सी है धारिता युक्ति। तो जो हमारा सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध युक्ति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों में जो द्रव चालित ब्रेक कार्य करते हैं वो किस नियम पर कार्य करते हैं? ऑप्शन नंबर ए है हमारा आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, ऑप्शन नंबर बी पास्कल के सिद्धांत पे, ऑप्शन नंबर सी बर्नौली की प्रमेय पे। तो जो इसका सही आंसर है वो है हमारा बी, पास्कल के सिद्धांत पे। अब आइए पास्कल के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पास्कल का नियम कहता है जो बर्तन का आकार होता है वो द्रव के दाब को प्रभावित नहीं करता है, और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं? हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक, या फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये तीनों ऑप्शन जो है ये पास्कल के नियम पर कार्य करते हैं। अब जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब जो है वो घटता जाता है। और ये जो ऑप्शन नंबर ए है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, इस पर कौन कौन से उपकरण कार्य करते हैं? जो तुम्हारा हाइड्रोमीटर होता है वो भी इसी के सिद्धांत पर कार्य करता है, लैक्टोमीटर होता है वो भी, और जो जहाज़ों और जो पनडुब्बियों को डिज़ाइन किया जाता है वो भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही डिज़ाइन किया जाता है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो क्या होगा? दोलनकाल बढ़ जाएगा, दोलन काल ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा, या फिर सी अपरिवर्तित रहेगा। तो जो हमारे पहले आइए सबसे पहले इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, सरल लोलक जो होता है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो सरल लोलक होता है, सरल लोलक का आवर्तकार प्रभावी लंबाई के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल बढ़ेगा और लंबाई के घटाने पर आवर्तकाल घट जाएगा। जैसे झूला झूलती हुई यदि कोई लड़की है और उसके बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाती है तो आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो ये क्वेश्चन है हमारा, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि वह खड़ी हो जाए तो क्या होगा, मीन्स दोलन काल जो होगा वो तुम्हारा घट जाएगा। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो स्टील है, स्टील में कितने प्रतिशत कार्बन होता है ये बताना है। ऑप्शन नंबर है 1 से 7%, ऑप्शन नंबर बी है 7 से 10, या फिर सी 0, है ना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितने प्रतिशत है दोस्तों? 1 से 7%। स्टील में कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? 1 से 7% होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोरेटर का कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है हमारा, यह पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करके ठंडी भाप देता है। ऑप्शन नंबर बी, यह इंजन को ठंडा रखता है। ऑप्शन नंबर सी, ईंधन जो होता है उसे नियंत्रित करता है। तो जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो है, यह पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करके ठंडी भाप देता है, ऑप्शन नंबर ए, यही इसका सही आंसर है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, किस धातु से बनाई गई जो मिश्र धातु होती है वो हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों के पुर्जों के काम आती है, है ना? क्या है क्वेश्चन? कौन सी मिश्र धातु हवाई जहाज के पुर्जों के काम आती है? तो इसमें हवाई जहाज के साथ हम एक चीज़ और जोड़ लेंगे, रेल के डब्बे, जो रेल के डब्बे के जो पुर्जे होते हैं वो भी, उसमें भी कौन सी मिश्र धातु काम आती है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सरल आवर्त गति करती हुई वस्तु की स्थितित ऊर्जा किस स्थिति में होती है? ऑप्शन ए है मध्य स्थिति में, ऑप्शन बी अर्धविस्थापन की स्थिति में, ऑप्शन नंबर सी अधिकतम विस्थापन की स्थिति में। तो जो इसका सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, अधिकतम विस्थापन की स्थिति में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से जो प्रकाश है वो सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सूर्य का जो प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, कौन करता है ऐसा? ऑप्शन नंबर ए है सोलर कुकर, ऑप्शन नंबर बी सोलर सेल, ऑप्शन नंबर सी सोलर वाटर हीटर। तो जो सोलर सेल होता है हमारा वो सीधे प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। कौन सा कैथोड द्रव्य उच्चतम उत्सर्जन दक्षता प्रदान करता है? यह हमारा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है थोरियम, ऑप्शन नंबर बी है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी है हमारा टंगस्टन। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है थोरियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? नंबर ए है ऑप्शन ए तांबा, बी चांदी, सी यूरेनियम। तो जो सबसे भारी है वो है यूरेनियम, ऑप्शन नंबर सी, यही इसका सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का मुख्य कार्य क्या होता है?
एक बार क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में मॉडरेटर का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए रिएक्टर की शक्ति में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी न्यूट्रॉनों की गति कम करना, या ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों न्यूट्रॉनों की गति कम करना, यही इसका सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव आयोडीन का प्रयोग किस रोग के उपचार में होता है? ऑप्शन नंबर ए है त्वचा, बी है ब्लड कैंसर, सी है थायराइड। तो जो इसका हमारा सही आंसर है दोस्तों वो है थायराइड, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है थायराइड, यही इसका सही आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाही कुंडली में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहती है, संग्रहित होती है? तो इसका जो ऑप्शन है वह है ताप, बी चुंबकीय क्षेत्र, सी विद्युत क्षेत्र। जिसका सही आंसर है दोस्तों वह है हमारा चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 कैरेट में कितने प्रतिशत सोना होता है? ऑप्शन नंबर ए 60%, बी 75%, सी 100%। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 कैरेट में कितने प्रतिशत सोना होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वो 75%। और निकालेंगे कैसे, 18/24 × 100, तो हमारा जो सही आंसर होगा होगा 75। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब सौर परिवार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है दोस्तों मैंने अपनी प्रीवियस जो वीडियो बनाई थी उसमें कवर किया था, और ये शॉर्ट ट्रिक से कवर किया था सौर परिवारों में जितने भी ग्रह आते हैं उन सबको। उस वीडियो में मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, वो शॉर्ट ट्रिक है सो माई वेरी इंटेलिजेंट मदर जस्ट स्टडी अस नाइट। तो उसमें जितने भी ग्रह हैं छोटे बड़े आकार के, वो सभी ग्रह उसी एक ट्रिक में आ गए थे, क्रम वाइज आए थे, उनका क्रम क्या था, कौन सा बड़ा है ग्रह, कौन सा छोटा ग्रह, सब उसी में आए। तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बुध, बी मंगल, सी बृहस्पति। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा सबसे बड़े ग्रह का वो हो जाएगा बृहस्पति, है ना दोस्तों। मेरी एक बार प्रीवियस वीडियो देख लेना। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? नंबर ए पिनियल, नंबर बी है जो हमारा पीयूष ग्रंथि, नंबर सी एड्रिनल। तो जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचायक बैटरी में कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी सीसा, या सी जस्ता। तो इसमें जो सही आंसर है वो हमारा हो जाएगा तुम्हारा सीसा। सीसा जो है संचायक बैटरी में इस्तेमाल की जाती है धातु, वो है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनमो डायनमो परिवर्तित करता है? ऑप्शन नंबर ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी जो ऑप्शन नंबर बी है यही इसका सही आंसर है। मींस मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में, मींस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है डायनमो। और दोस्तों ये जो डायनमो का क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो बॉक्साइट है, बॉक्साइट में कौन सी धातु का अयस्क है? बॉक्साइट जो है कौन सी धातु का अयस्क है? ऑप्शन नंबर ए है टिन, बी है एल्यूमिनियम, सी है जस्ता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम। और बॉक्साइट का ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पेपरों में आ चुका है, इसी की इलाहाबाद में जो ये पेपर हुआ है और इससे जो प्रीवियस ईयर के हैं ये उनमें भी आया है। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर ए है ध्वनि ऊर्जा, बी है विद्युत ऊर्जा, सी है रेडियो ऊर्जा। तो टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर बी विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए रेखीय संवेग का संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी कोणीय आघूर्ण का संरक्षण, या ऑप्शन नंबर सी वस्तु का संरक्षण। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको इसी क्वेश्चन का आंसर मुझे वीडियो के एंड में देना है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं इसका आंसर आपको बाद में नीचे कमेंट में दे दूंगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक झील की सतह पर जल जमने लगता है तो उसके तल पर पानी का तापमान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए -4°C, ऑप्शन नंबर बी 4°C, या ऑप्शन नंबर सी 0°C। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा 4°C। एक क्वेश्चन पूछा है मैंने आपसे, जो एक जेट इंजन है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है ना, ये आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इलाहाबाद असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर है ये, और दोस्तों आपके लिए मैं असिस्टेंट लोको पायलट के प्रीवियस ईयर के पेपर अभी डालता रहूँगा अपनी वीडियो में। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और जो क्वेश्चन का आंसर मैंने पूछा है इस वीडियो में इसका आंसर भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप लोगों का कोई सुझाव हो कि मैं वीडियो किस तरह से बनाऊं, किस टॉपिक पर बनाऊं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।